Press the bell icon of the Epaathshaala channel and never miss another update. So guys, we are again back with this chapter. Social justice के बारे में आप पढ़ रहे थे, ये वीडियो का दूसरा पार्ट है. इससे पहले हमने चैप्टर से रिलेटेड पहला पार्ट डाला हुआ है और साथ में आपको दोस्तों सोशल जस्टिस के बारे में अगर नोट्स भी चाहिए तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका नोट्स मिल जाएगा जल्द ही. और साथ में दोस्तों अगर आपने वीडियो का पहला पार्ट नहीं देखा है देन प्लीज़ जाके आप वीडियो का पहला पार्ट वॉच करिए जो हमने पहले ही अपलोड कर दिया है. अब हमें समझना ये है कि जस्टिस के बारे में इस बुक के अंदर तीन सिद्धांतों के बारे में समझाया हुआ है. हालांकि सोशल जस्टिस क्या होता है वो आपको हमने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है. तो यहाँ पे प्रिंसिपल जो जस्टिस के दे रखे हैं आपकी बुक के अंदर वो तीन तरीके से बता रखा है. दैट मीन्स इक्वल ट्रीटमेंट फॉर इक्वल, यहाँ पे समान लोगों के लिए समान उपचार, ये पहला सिद्धांत है जस्टिस के बारे में. दूसरा है प्रोपोर्शनल जस्टिस, जिसे आप अनुपातित न्याय के नाम से भी जानते हैं. फिर तीसरा है रिकॉग्नाइजेशन ऑफ स्पेशल नीड्स, दैट मीन्स विशेष आवश्यकताओं की मान्यताएँ. यानी कि अगर समाज के अंदर हमें कहीं ना कहीं न्याय लाना है तो ये तीन तरीके हैं, ये तीन अप्रोच है जिसकी वजह से हमारे समाज में मैं बोल सकता हूँ न्याय जो है मिला हुआ है. ओके, तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, हम यहीं से बताएंगे और साथ में इस वीडियो का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा जो है वो यहाँ पे आपको पता चलेगा और ये चैप्टर इसी वीडियो के अंदर ख़त्म हो जाएगा, इस पार्ट के अंदर ख़त्म हो जाएगा. तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा, समझिएगा. अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो देन मस्ट सब्सक्राइब आवर चैनल, क्योंकि हम आपको बहुत सारे नोट्स प्रोवाइड करवा रहे हैं. एमसीक्यू की नई सीरीज़ भी स्टार्ट होने वाली है जल्द ही. ओके, तो ज़रूर वीडियो को एंड तक देखिएगा. अब यहाँ पे हम जानेंगे इक्वल ट्रीटमेंट फॉर इक्वल, फिर उसके बाद प्रोपोर्शनलेट जस्टिस यानी कि प्रोपोर्शनल जस्टिस, फिर हम जानेंगे विशेष आवश्यकताओं की मान्यता के हिसाब से जस्टिस मिलता है वो. ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले समान लोगों के लिए जो समान व्यवहार होना चाहिए वो उस टाइम पीरियड पे आप देख सकते हो. यहाँ पे बेथम ने इसको स्टार्ट करा था और इसको कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक जस्टिस या न्यूमेरिकल जस्टिस यानी कि संख्यात्मक न्याय भी बोला जाता है, ठीक है ना. तो ये दोस्तों ये जस्टिस जो है ये दूसरे नाम से भी पुकारा जाता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं. इन्होंने सबसे पहले इंट्रोड्यूस करा था, ये इंग्लैंड के अंदर पैदा हुए थे 1748 के अंदर. लगभग 82 साल की उम्र में ही यूनाइटेड किंगडम के अंदर मर गए थे ये. और उन्होंने उस टाइम पीरियड पे इक्वल ट्रीटमेंट फॉर ऑल वाला सिस्टम जो था ये लेके आए थे. इनका मेन मकसद बस ये था कि कंट्री के अंदर जो भी रिसोर्स होते हैं ना, जस्टिस का मतलब उनके हिसाब से ये हो गया कि द रिसोर्स ऑफ अ कंट्री, राइट्स, फ्रीडम शुड बी इक्वल डिवाइडेड बिटवीन इट्स मेंबर. कहने का मतलब ये होता है कि कंट्री के अंदर जो रिसोर्स होते हैं, राइट्स होते हैं, मैं बोलता हूँ न्यायिक व्यवस्था हो सकती है, वो सारी की सारी चीज़ें कंट्री के अंदर मैं बोल सकता हूँ इक्वली डिवाइड होनी चाहिए. और किसी भी प्रकार का उसके साथ जब वो चीज़ें डिवाइड करी जा रही हो, कास्ट, क्लास, जेंडर, रेस, इनके हिसाब से इनके साथ भेदभाव ना किया जाए, जाति, वर्ग, लिंग और नस्ल के हिसाब से. ओके, तो इस हिसाब से हम समाज के अंदर इक्वल ट्रीटमेंट फॉर इक्वल कर सकते हैं, समान लोगों के प्रति समान बर्ताव कर सकते हैं. ओके, अब यहाँ पे आता है दूसरा जो होता है प्रोपोर्शनल जस्टिस, दैट मीन्स अनुपातित न्याय. दोस्तों इस न्याय के अंदर ना आप देखेंगे प्रोपोर्शनल का मतलब ये हो गया, मैंने आपको बताया था कि समाज के अंदर हर एक बंदा इक्वल नहीं है, इसलिए समाज के अंदर हर एक बंदे को इक्वल जस्टिस नहीं मिल सकता. तो इसीलिए क्या करना पड़ता है हमें, जो व्यक्ति जैसे सिचुएशन में है उस व्यक्ति को वैसा ही क्या कहते हैं ट्रीटमेंट देना हमारे लिए ज़रूरी होता है. यानी कि इक्वल सिचुएशन में इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाए और अनइक्वल सिचुएशन में अनइक्वल ट्रीटमेंट दिया जाए. एग्जांपल के लिए मैंने आपको अभी बताया था पिछली भी क्लास के अंदर कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, कोई बच्चा है जो 3 घंटे के एग्ज़ाम के लिए पेपर के अंदर जा रहा है. अब वो बेचारा हाथ से लिख नहीं सकता, उसके हाथों में दिक्कत है या वो पैरालाइज है या कुछ भी है, लेकिन वही दूसरा बच्चा जो बिल्कुल नॉर्मल है उसको भी 3 घंटे दिए जा रहे हैं, उसका भी सेम पेपर है. तो दोस्तों ये जस्टिस नहीं हुआ किसी भी प्रकार का, है ना. यहाँ पर सिचुएशन जो है दोनों की इक्वल सिचुएशन नहीं है, ये अनइक्वल है, ये इक्वल है ना. तो इस टाइम पीरियड में ना जैसी जिसकी व्यवस्था है उसको वैसा ही न्याय मिलना ज़रूरी होता है. इसीलिए प्रोपोर्शनल जस्टिस का मतलब ये हो गया कि इक्वल सिचुएशन में इक्वल ट्रीटमेंट किया जाए और अनइक्वल सिचुएशन के अंदर अनइक्वल ट्रीटमेंट किया जाए. तो वन पर्सन शुड गिव जस्टिस अकॉर्डिंग टू देयर वर्क.
आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये समझनी है इसके अंदर, क्योंकि अगर आप हर किसी को न्याय एक जैसा देने लग जाओगे तो समाज के अंदर आई थिंक मुझे लगता है कि ये मान्यता नहीं हो पाएगी, है ना। आप भी अगर अपने रियल लाइफ में देखें तो प्रोपोर्शनल जस्टिस सरकार के द्वारा दिया जाना एक सही फैसला हो सकता है ना। अब वही चीज़ अगर मैं एग्जांपल के लिए बोलूँ कि भाई एक स्कूल हैगा और स्कूल के अंदर एक के फादर की सैलरी 10,000 रुपये है और एक के फादर की सैलरी 10,000 के अलावा 1 लाख रुपये है ना। और समाज के अंदर मैं बोल सकता हूँ कि अगर इनको इक्वल ट्रीटमेंट देना है तो 10,000 इनकम कमाने वाले को भी समाज में सरकार को कुछ ना कुछ छूट देनी पड़ेगी जो उसे 1 लाख रुपये वाले को नहीं देनी होगी। तो दिस इज़ कॉल्ड द प्रोपोर्शनल जस्टिस। अब दूसरी बात कर लेते हैं, यहाँ पे बोला हुआ है कि रिकॉग्नाइजेशन ऑफ अ स्पेशल नीड्स यानी कि विशेष आवश्यकताओं की मान्यता के आधार पर। देखो समाज में आप सभी को पता है कि हर व्यक्ति जो है एक समान नहीं है। कोई व्यक्ति जाति धर्म या पैसे या सुविधाओं की वजह से या शिक्षा की वजह से या स्वास्थ्य की वजह से असमानता फेस करता आ रहा है। इसीलिए समाज के अंदर हमने कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रिजर्व्ड कैटेगरियाँ बनाई जिसकी वजह से उनको जॉब में, उनको एडमिशन में, उनको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर SC ST ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं समाज में बराबरी मिल सके। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे समाज में इन चीज़ों को कायम करने के लिए। अगर हम देखें तो समाज में जो बेचारे ये लोग अनरिजर्व्ड कैटेगरी के अंदर आते थे उनको समाज में बढ़ावा देने के लिए, समाज में थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ इक्वल ट्रीटमेंट देने के लिए हमें ये चीज़ें करनी पड़ती है, इन्हें विशिष्ट अधिकार देना पड़ता है जिससे समाज में सही मायने में न्याय होता है। लेकिन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों, जब आप BA प्रोग्राम में जाएंगे या आप कॉलेज में जाएंगे, जब आपके पास BA होगी, चाहे प्रोग्राम हो चाहे ऑनर्स हो, तो अगर आप पॉलिटिकल पढ़ते हैं ना तो न्याय के सिद्धांत में जॉन रॉल का एक थ्योरी है और ये थ्योरी आपकी बुक के अंदर दी हुई है और यही थ्योरी आपके BA के प्रोग्राम में स्पेशली 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। जॉन रॉल्स की थ्योरी के बारे में बताया जाएगा समाज के अंदर कि यार ये थ्योरी जस्टिस के बारे में क्या बताती है, तो वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो देखो जॉन रॉल्स ने एक अमेरिकन फिलोसफर है, उन्होंने द थ्योरी ऑफ जस्टिस बुक लिखी है, आप देख सकते हैं। जॉन रॉल्स मॉडर्न टाइम के उस टाइम पीरियड में मैं बोल सकता हूँ जिन्होंने इस थ्योरी को इन्वेंट करा था, और उन्होंने बताया था कि सही मायने में जस्टिस अगर समाज में मिलना चाहिए या जो व्यक्ति जस्टिस दे रहा है समाज के अंदर उसे किस तरीके का ट्रीटमेंट लेना चाहिए या किसके अकॉर्डिंग समाज में बराबरी मिल सकती है ताकि सभी को इक्वल जस्टिस मिल सके, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए है वेल्स ऑफ इग्नोरेंस। मैं ज़्यादा बड़ा इसको ना समझाते हुए बस आपको ये समझाने की कोशिश करूँगा कि समाज में हर व्यक्ति समान नहीं हो सकता। कोई व्यक्ति, मैं बोल सकता हूँ कि कोई व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा अमीर हो सकता है, कोई व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा गरीब हो सकता है, कोई व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो सकता है और कोई व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो सकता है। तो समाज में अगर जस्टिस बनाए रखना है, अगर जस्टिस को सही तरीके से बनाए रखना है, तो हमें कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें क्रिएट करनी पड़ेगी जिसमें समाज के हर हिस्से को इक्वल ट्रीटमेंट मिले। कहने का मतलब ये होता है, मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति कॉन्स्टिट्यूशन बनाता है, ओके। अब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाला कोई भी व्यक्ति हो सकता है। अब जो व्यक्ति कॉन्स्टिट्यूशन बना रहा है वो अमीर गरीब स्ट्रांग वीक इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो कोशिश ऐसा करेगा, ऐसा लॉ बनाने की कोशिश करेगा जिससे समाज के हर हिस्सों पे इक्वल इफेक्ट पड़ सके, और उसको ये चीज़ ना पता हो कि समाज के किस हिस्सों पे कैसा प्रभाव पड़ेगा। एंड दिस इज कॉल्ड द वेल्स ऑफ इग्नोरेंस, इसे आप हिंदी में अज्ञानता का आवरण भी बोलते हैं। इसका कहने का मतलब क्या है, इट इज़ आर्ग्यू दैट दिस इज द ओनली वे वी कैन अराइव एट द फेयर एंड द जस्टिस रूल। मतलब यही एक ऐसा तरीका है जिससे हम न्यायपूर्ण और न्याय नियम तक पहुंच सकते हैं। कहने का मतलब ये होता है कि जो भी बंदा कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग लोगों को न्याय देने की कोशिश कर रहा है वो उस पोजीशन पे होगा, जो उस पोजीशन पे होगा और उसको ये भी नहीं पता होगा कि किस पोजीशन के लोगों के लिए ये रूल्स बनाए जा रहे हैं। लेकिन ये लॉ ऐसा बनाने की कोशिश करेगा कि अमीर हो, गरीब हो, बूढ़ा हो, बुजुर्ग हो, महिला हो, समाज पे सभी पे इसका इक्वल इफेक्ट पड़े, और इसी ही जॉन रॉल्स ने वेल्स ऑफ इग्नोरेंस यानी कि अज्ञानता का आवरण या परत के नाम से पुकारा है। तो आपको सिंपल शब्दों में ये जानना जरूरी था, इसीलिए मैंने आपको ये बताने की कोशिश करी।
अब दोस्तों वेल्स ऑफ इग्नोरेंस जब कॉलेज में जाओगे तो और ज़्यादा डीपली जानने को मिलेगा, लेकिन अभी के लिए आप इतना ही समझ लीजिए कि अगर जस्टिस क्रिएट करना है समाज के अंदर, अगर न्याय क्रिएट करना है समाज के अंदर, तो ऐसा लॉ बनाना चाहिए, ऐसा कुछ बनाना चाहिए जिस पे समाज के हर हिस्सों पे इक्वल इफेक्ट पड़े, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो। सोसाइटी के अंदर जिस हिसाब से चीज़ें इम्पैक्ट कर रही है उस हिसाब से चीज़ें बननी चाहिए। अब जस्टिस के बारे में और ज़्यादा डीपली समझना है तो जस्टिस के बारे में हमारे यहाँ पे B.R. अंबेडकर जी के भी यहाँ पे बहुत बता रखे हैं कि किस तरीके से जो बाजार है उसके अंदर जस्टिस होना चाहिए, किस तरीके से जो स्टेट से उनमें इंटरफेरेंस करता है, वो वाला हिस्सा आप खुद भी पढ़ सकते हैं, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं मैं बोलूँगा। लेकिन अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि वेल्स ऑफ इग्नोरेंस जो था वो क्या था। ओके, तो इतना ही है इस वीडियो के अंदर, हम जल्द ही मिलेंगे अब नए चैप्टर में। दिस इज इट इन दिस वीडियो। वेल्स ऑफ इग्नोरेंस जरूर लिखिएगा, नोट्स चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, और अभी के लिए इस वीडियो के अंदर इतना ही है। दिस इज इट इन दिस वीडियो। तो लास्ट में दोस्तों, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और ई पाठशाला चैनल के आप सब्सक्राइबर हैं या नए सब्सक्राइबर हैं, तो ई पाठशाला की टीम से आप सभी को यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और कोशिश करें कि आप दूसरों को शेयर करवाने के लिए बोलें, क्योंकि आप जितना वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही हम और लोगों की मदद कर पाएंगे, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया जब भी बढ़ेगा इंडिया। तो वीडियो के लास्ट में, वीडियो को एंड तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।